वंदे को मातरम। राजकोट में कोर्ट ने 2023 में भी मेरे साथी मित्र भीमराज शर्मा जी भी इन्होंने विश्व के इतिहास में एक नया काम शुरू किया। विश्व के इतिहास में गाय को नई पहचान दी। गाय के गोबर से पेपर बनाया और उस पेपर के माध्यम से ये आप देख सकते हैं इतने आर्टिकल और इतने डिजाइन के पेपर्स भगवान गंगोत्री होप डेली डायरी डट्टा पर्स इस प्रकार से इतने आइटम है लगभग आपके पास। हमारे पास 100 से भी ज्यादा है। ये 100 से भी ज्यादा आइटम बनाते हैं और इसको कैसे बेच रहे हैं आप? हमारी और ये आइटम बनाने में कितना कॉम्पिटिटिव होता है? गोबर का पाउडर नहीं, हम गीला गोबर लेते हैं, 10 रुपए किलो गीला गोबर लेते हैं। ये बड़े साइंटिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट परिवार है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि 10 रुपए किलो गोबर साइड। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की बहनें और माताओं जो है बहुत बेरोजगार? यही कहेंगे कि कोई करना चाहे तो कोई कर सकता है। अगर आपने गाय की भावना होगी तो गाय माता ने हमें ये रास्ता दिखाया है। हम गाय माता को बचाने के लिए हमने ये सब किया है, प्रकृति को और गाय माता को बचाने के लिए हमने ये किया है। और आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? कस्टमर केयर नंबर क्या है? 9899। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे भाई साहब भीमराज शर्मा जी यहाँ नहीं थे लेकिन माता जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या नाम आपका? अभी लड़ते हो? लड़ते हाँ, गाय जिसके घर में आती है वहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है और प्यार बढ़ जाता है क्योंकि गाय मातृत्व वात्सल्य और करुणा का भंडार है। ये बात यहाँ साबित होती है। गाय अर्थ का आधार है, गाय यश का आधार है, गाय कीमती का आधार है। आप देख सकते हैं इनके स्टोर में तो ये लाखों का कारोबार मात्र गोबर से करते हैं। वो 10 रुपया किलो में विश्व के इतिहास की प्रथम घटना है। इस कार्य को अभिनंदन है और इस कार्य को ज्यादा से ज्यादा धन अभियान बनाकर विश्व में जन जन तक हर घर तक चाहिए। हमारे बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा है। वंदे को मातरम भारत माता की जय। जय को माता, वंदे को मातरम। मित्रों, ये सौराष्ट्र की धरती पर राजकोट रेस कोर्स ग्राउंड में एक 2023 का आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन में मेरे दक्षिण भारत के बंधुओं कैसे पीछे रह सकते हैं? बेंगलोर और कर्नाटक विश्व की पलक पे कर्नाटक का बहुत बड़ा नाम है। कर्नाटक के पधारे हुए हमारे और यहाँ अपने गोबर के प्रोडक्ट गाय के देशी गाय है और सभी पूरे गोबर के साथ में उसके अंदर जो नेचुरल प्रीमिक्स होता है वो मिला के हम बनाते हैं। इसमें कोई तरह की मिलावट नहीं करते हैं और जो अपने देश के हिंदू धर्म के हिसाब से और जितने भी भगवान की स्थिति है और प्रेम से वो बनाते हैं वो यहाँ पे रखा है देखने के लिए। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई है 2 फीट बाई 1.5 फीट की। ये पूरी गोबर से बनाई हुई है और इसके लाइफ 10 साल 15 साल की कुछ भी नहीं होता है। और ये घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नेगेटिविटी जाता है। और ये गौ माता की तस्वीर है, गाय बछड़े की तस्वीर है, गणेश जी की तस्वीर है, सभी तस्वीरें ऐसे हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से आपके घर को गोबर से सजा सकते हो। और गोपालक को आपके घर से पैसा जाएगा, गोपालक मजबूत बनेगा, गाय मजबूत बनेगी, गांव बचेगा और गायों गांव में रोजगार खड़ा होगा। तो आपकी ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए
कैसे संपर्क करें आपका? हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर है यहाँ पे इसका दिखाया हुआ है और आपको बोल देता हूँ मैं 9742323370 9742323370 9799747479 ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में कहीं पे भी जरूरत होगी वहाँ पे हम पूजन करेंगे और एकदम प्योरिटी और जो काम है काम की गुणवत्ता एकदम शुद्ध रहेगी, सही रहेगी। मित्रों आप यदि दूसरे स्टेट से नहीं खरीद सकते तो मैं दक्षिण भारत के लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप भूलिए मत, कर्नाटक में आप पूरा कर्नाटक मिलके पूरा बेंगलोर एक इनको मजबूत करेगा ना तो ये पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे और गौ माता बचेगी, गाय बचेगा, गांव बचेगा। वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। और इसमें जो है बहुत सारी हॉस्टल में काम देते हैं बना के हमको उनका घर चलता है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी गौशाला है वहाँ पर 100 से गौवंश है हमारे पास। मैं अपनी गौ माता को स्वागत बनाने के लिए मैं ये सारे प्रोडक्ट बना रही हूँ। मैं अपने अंडर में 10 से 20 लेडीजों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक पंचायत में डॉक्टर भी हूँ। और योगाइज करना और जो गोबर कैसे योगाइज किया जाता है वो मैं कर रही हूँ। गौ माता इसी का अनोखी है कि माता को दान और अनुदान की जरूरत नहीं है, वो जितना खाती नहीं है उससे ज्यादा दे देती है। तो मैं चाहूँगी चीजें आप जैसे ये बंधन मास दिख रहा है आपको थोड़ा तो मैं चाहती हूँ बाजार तो बंधन मास थोड़ा थोड़ा आप अपने घरों में ऐसे उपयोग करें जिससे कि आपका घर पूरी तरीके से रेडिएशन एब्जॉर्ब रहे। जितने भी चीजें हैं आप जैसे ये माला का उदाहरण दीजिए, अगर ये माला को आप अपने शरीर में डालते हो तो ये आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और पूरे एंटीवायरस हो जाओगे। तो इसी तरह आप का प्रचार करना कम है। मैं चाहती हूँ ये सारी चीजें आप अपने घरों में लेके जाए और एक उदाहरण दूंगी सिर्फ ये धूपबत्ती का। धूपबत्ती जैसी की बाजारों में मिलने वाली जो धूपबत्ती होती है वो आज ये टाइम में चमड़े के बुरादे से बनाई जा रही है जो कि उसमें काली मट्टी जैसी धुआं निकलती है। ये पूरी तरीके से नेचुरल बनाई गई है, इस धूपबत्ती में कोई भी केमिकल का यूज नहीं है। तो मैं चाहूंगी रोज अपने घरों में लोग डेली जलाते हैं, डेली का उपयोग करते, तो आप भी अपने घरों में इन चीजों को लेकर आए और गौ माता को पूरी तरीके से स्वावलंबन बनाए। जय गौ माता। मेरा नंबर 8057800 इतना अच्छा झूमर पूरे मेले में कहीं नहीं दिखा और इनकी बात में बहुत सत्य है कि जो व्यक्ति इनके नीचे से पास होता है ऐसे आना जाना घर में होता है वो ये आपकी नेगेटिविटी को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में भरता है। तो मैं दीदी को वंदन करता हूँ। मेरा काम था इसकी वीडियो बना के YouTube के जरिए आप तक पहुँचाना। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इनसे प्रोडक्ट खरीद के इसको आर्थिक रूप से मजबूत करें। वंदे को मातरम, भारत माता की जय। जय गो माता। मित्रों भारत माता की जय। आज हूँ आयो छू नरेश भाई परमार, અમારે કોડીનાથના યુવાન મિત્ર છે જેમને હું પાછળના 8 વર્ષથી ઉભો છું અને 8 વર્ષથી સતત માત્ર આસન ઉપર જ કામ કરે છે। તો આજે આપણે એમની રૂબરૂ મુલાકાત છેલ્લા 7-8 વર્ષથી કાર્ય કરું છું। વાત છે આઈટી નો અભ્યાસ કરેલો છે અને ભાવ હતો ગૌમૂત્ર માટી બધા નદીઓના જળ માટી મંત્ર પૂજા કરી આહવાન કરી 2-2.5 મહિનામાં આખું આસન તૈયાર થાય। આ આસન ઉપર બેસવાથી આપણી
ગાય માતા નું ધ્યાન અને માટી ના બધી પવિત્ર પૂરું કામ થાય અને આના ઉપર બેસવાથી આપણું સકારાત્મક ઊર્જા પ્રાપ્ત થાય. આજે લાખો એના ઘર હશે પણ એમાં કોઈ પવિત્ર કુંડો કે પવિત્ર કાયદે સ્વાસ્થ્ય મળશે. આસણા માધ્યમથી સ્વાસ્થ્ય પવિત્ર શાંતિ પવિત્ર ઊર્જા પ્રાપ્ત થશે. ઘણો ફાયદો થાય આમાં આપણી સિસ્ટમ સારી રહી. આ છત્ર છે આપણા ઉપર રાખવા માટે એનર્જી પ્રાપ્ત થાય આપણા ઉપર રાખવા માટે સમયે આની નીચે આપની સાથે જોડાવા માંગે અથવા આપની પાસે માંગે તો આપનો સંપર્ક નંબર શું છે? 50 વધારે આઈટમ બનાવી છે. સંપત્તિ ના સેટ છે, બંગડી છે, ટી કોસ્ટર છે, ટેબલ મેટ, બટર, પેચ વગેરે છે, બાબુ મેં લેમ્પો વગેરે હેંગિંગ છે. ડેકોરેશન કરીએ છે. કાર હેંગિંગ મેં મંદિર પેલા બાર માટે ઝુમર વગેરે બનાવ્યા છે, હાથી મેં હેંગિંગ બનાવ્યા છે, લેમ્પ છે, મોતી ના સેટ બધા. બહુ સરસ મિત્રો, ગામડા ની અંદર કૌશલ અને ગામડા ની અંદર કળા, ગુજરાત ની ધરતી નું એક ખમીર બનતું જીવન અને સિસરા માં વીતેલું રતન. આવા ગામડામાં અસંખ્ય લોકો પડ્યા છે જેની પાસે કળા અને કારીગરી છે. એની તમે કદર કરો અને એની તમે વસ્તુ મગાવો તો એ આર્થિક રૂપે મજબૂત થાય અને ગામડામાં રોજગારના સોર્સ વધે એટલે ગામડા તૂટતા બચે અને શહેરીકરણ થતું અટકે, ગામડામાંથી માઇગ્રેન્ટ કરીને જવું ન પડે, એના માટેનો સરસ રસ્તો અને આ બેન એનું ઉદાહરણ છે. તમારો નંબર બોલો. 5 દિવસ ને કાલ 14 બહુ સરસ. તમે સમાજ ના લોકો ને શું સંદેશ દેવા માંગો છો? સમાજ ના લોકો ને કહીએ છીએ કે બેનો ઘર બેઠે છે, અમે રોજગારી કરીએ, ઘર બેઠે કામ કરી શકે છે, મહિને 10,000 રૂપિયા કામ કરી શકે છે. વધારે 11-5 વાગે સુધી મોદી નું કામ થઈ ગયું કરી શકે. અમે 8 બેઠી ઘર બે 3,000 ચાહે બેનો શીખવા માંગે તો મેં આપવા તૈયાર છું. થેન્ક યુ બેન. થેન્ક યુ.